रामचंद्र की जय हो दोस्तों, कैसे हो सारे। आशा करता हूँ परम पिता परमात्मा से सभी अच्छे होंगे। दोस्तों आपको बता दूं, आज पूरे इंडियन सिनेमा की नज़रें प्रभास के ऊपर टिकी हुई है। प्रभास की आने वाली अपकमिंग मूवी सलार के ऊपर। दोस्तों आपको बता दूं, साहो, राधेश्याम आदि पुरुष इतना अच्छा कलेक्शन नहीं कर पाए, ना ही ऑडियंस को इतना कनेक्ट कर पाई। दोस्तों प्रभास को हम एक अलग ही रूप में, अलग ही किरदार में और अलग ही कहानी के तौर पर देखना चाहते हैं, क्योंकि यार वो नंबर वन पैन इंडिया सुपरस्टार है। इसी के साथ साथ बात करें भाई सलार के बारे में। सलार का टीजर जो है दोस्तों 6 जुलाई को 5:15 सुबह आने वाला है। इसके पीछे दोस्तों वजह बता दूँ, सलार का जो भी है ना KGF के साथ कनेक्शन भाई पक्का है। दोस्तों आपको बता दूँ, KGF की क्लाइमैक्स के अंदर जब रॉकी भाई जहाज लेकर जा रहे थे, क्लाइमैक्स के अंदर उस घड़ी के अंदर 5:15 का टाइम हो रहा था, 5:15 5:12 और वहीं टाइम के ऊपर दोस्तों सलार के मेकर्स सलार की टीजर को रिलीज कर रहे हैं। ठीक है भाई, दूसरा कारण भी हो सकता है, ये लोग भाई साउथ वाले पंडित लोगों को यानी कि भगवान को थोड़ा ज़्यादा मानते हैं। ठीक है, वहीं यही कारण हो सकता है कि भाई किसी पंडित पंडित ने बताया होगा भाई 5:15 टीजर को आप रिलीज करो। ठीक है, इसी के साथ साथ बात करें भाई सलार के बारे में। सलार के बारे में दोस्तों बात करें, सलार की दोस्तों गारंटी देता हूं मैं, जितने भी आज तक इंडियन सिनेमा में रिकॉर्ड बने ना, सभी टूटने वाले हैं। सलार की सुनामी के अंदर सभी रिकॉर्ड बहने वाले हैं। दोस्तों सलार का जो भी पहले दिन की कलेक्शन की बात करें तो कम से कम मेरे हिसाब से दोस्तों 200 से 250 करोड़ रुपये का कलेक्शन होने वाला है। कम से कम मान के चलो हिंदी मार्केट के अंदर 200 सलार 40 करोड़ तो आराम से आसानी से पार करने वाली है। दोस्तों प्रभास की फैन फॉलोइंग है दोस्तों बहुत ही लाजवाब है। दोस्तों ये इसका कारण आपने देखा होगा आदि पुरुष के अंदर। ठीक है, हाँ भाई मानता हूँ भाई श्री राम की वजह से भी और एक यार डार्लिंग प्रभास की वजह से भी पब्लिक देखने गई है। ठीक है दोस्तों, वो मूवी मेरे हिसाब से लगभग मेरे हिसाब से 492 करोड़ रुपए का उसका मूवी का आदि पुरुष मूवी का कलेक्शन हो चुका है। ठीक है, तो दोस्तों अब पूरे इंडियन सिनेमा की नज़रें हैं ना प्रभास के ऊपर टिकी हुई हैं। ठीक है, तो दोस्तों आप कितने एक्साइट हो आदि सलार के लिए, आप कितने एक्साइट हो रवि बसरूर के म्यूजिक सुनने के लिए, आप कितने एक्साइट हो प्रशांत नील की कलाकारी देखने के लिए। चलता हूँ दोस्तों, वंदे मातरम, जय हिंद।